हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएन क्लासेस। आशा करूची आपण माने समस्ते भलरे थिबे एवं आपणक प्रिपरेशनटा ठीक भावरे चालूथिबो। कारण समस्ते जानिछंती जे OSSSC एग्जाम कैलेंडर हिसाब रे ए अगस्ट हि फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड एवं लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर एवं अक्टोबर रे RI, ARI एवं अमीन रो ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आसी जिवो। तो सेति पई एबेरु हि निजकु प्रस्तुत रखंतु। आपण माने जानिछंती ओडिसा रो जे कोनोसी एग्जाम दृष्टि रु मध्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडाको बहुत इंपोर्टेंट। तो से समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ी टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा। प्रीवियस क्लास रे आमे ओडिशा ज्योग्राफी रो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करितिला। ए क्लास रे आउ केते गुड़ी एमसीक्यू कंप्लीट करवा। तो समय नष्ट न करी आरंभ करवा। नंबर 121, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा। निम्नलिखित मध्य केवटी ओडिशा रो द्वितीय बृहत्तम नदी अटे। ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी सुवर्णरेखा, ऑप्शन सी वंशधारा, ना ऑप्शन डी ऋषिकुल्या। तो राइट आंसर कौन है, निम्नलिखित मध्य केवटी ओडिशा रो द्वितीय बृहत्तम नदी अटे। तो समस्ते जानिछंती जे ओडिशा रो द्वितीय बृहत्तम नदी होची ब्राह्मणी। तो ऑप्शन ए हेब राइट आंसर। नंबर 122, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स आउटसाइड ओडिशा। देखंतु निम्नलिखित मध्य केऊ नदी ओडिशा बाहर उत्पन्न होई छी। ऑप्शन ए सालंदी, ऑप्शन बी बैतरणी, ऑप्शन सी बुढ़ाबाड़ ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित मध्य केऊ नदी टी ओडिशा बाहर उत्पन्न होई छी। देखंतु सालंदी, बैतरणी एवं बुढ़ाबाड़ ए तीनोटी ओडिशा रे उत्पन्न होई छी, किंतु ए ब्राह्मणी नदीटा ओडिशा रे उत्पन्न होइनी। तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 123, द हम्पी इज सिचुएटेड नियर व्हिच रिवर। हम्पी केऊ नदी निकटरे अवस्थित। ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी कुंतीपूजा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो राइट आंसर टी कौन है, हम्पी केऊ नदी निकटरे अवस्थित। ऑप्शन डी हेब राइट आंसर तुंगभद्रा। ए तुंगभद्रा नदी निकटरे हम्पीटा अवस्थित, तो सेतिपई ऑप्शन डी हेब राइट आंसर। नंबर 124, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी रिवर। देखंतु निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्यरु केउटी महानदीर शाखा नदी नुहे। ऑप्शन ए जोंक, ऑप्शन बी बेटुआ, ऑप्शन सी सेवनाथ, ऑप्शन डी तेल। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्यरु केउटी महानदीर शाखा नदी नुहे। आपण माने जानिथिबे जोंक, सेवनाथ एवं तेल ए तीनोटी नदी होउछि महानदीर गोटे गोटे शाखा नदी, किंतु ए बेटुआटा महानदीर गोटे शाखा नदी नुहे। तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 125, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। निम्नलिखित मध्यरु केउटी महानदीर डाहण पार्श्व शाखा नदी अटे। ऑप्शन ए सेवनाथ, ऑप्शन बी मंड, ऑप्शन सी इव, ऑप्शन डी तेल। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित मध्यरु केउटी महानदीर डाहण पार्श्व शाखा नदी अटे। तो ऑप्शन डी हेब राइट आंसर तेल नदी। ए तेल नदीटा महानदीर डाहण पार्श्व शाखा नदी अटे। ऑप्शन डी हेब राइट आंसर। नंबर 126, ऑन व्हिच रिवर इज द पोतोरा डैम बिल्ट। पोतोरा डैम केउ नदी उपरे निर्मित होईचि। ऑप्शन ए जोंक रिवर, ऑप्शन बी गोमती रिवर, ऑप्शन सी महानदी रिवर, ना ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर टी कौन है, पोतोरा डैम केउ नदी उपरे निर्मित होईचि। तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर जोंक रिवर। ए जोंक नदी उपरे पोतोरा डैमटा निर्मित होईचि। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 127, तो रेंगाली डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द डैश रिवर। देखंतु केऊ नदी उपरे ए रेंगाली डैमटा निर्माण करा जायथिला। ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, ऑप्शन बी बैतरणी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी, ना ऑप्शन डी बुढ़ाबाड़ंग। तो राइट आंसर टी कौन है, केऊ नदी उपरे रेंगाली डैमटा निर्माण करा जायथिला। तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर ब्राह्मणी नदी। ए ब्राह्मणी नदी उपरे रेंगाली डैमटा निर्माण करा जायथिला। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 128, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम केन्दुझर प्लेटियो। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केऊ नदी केन्दुझर मालभूमिरु उत्पन्न होईचि। ऑप्शन ए बुढ़ाबाड़ंग, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी बैतरणी, ना ऑप्शन डी महानदी। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित मध्यरु केऊ नदीटी केन्दुझर मालभूमिरु उत्पन्न होईचि। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर बैतरणी। ए बैतरणी नदीटा केन्दुझर मालभूमिरु उत्पन्न होईचि। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 129, पारादीप फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। पारादीप बंदर निम्नलिखित केऊ नदीर डेल्टा रे अवस्थित। ऑप्शन ए नागभाली रिवर, ऑप्शन बी बुढ़ाबाड़ रिवर, ऑप्शन सी महानदी रिवर, ना ऑप्शन डी सालंदी रिवर। तो राइट आंसर टी कौन है, ए पारादीप बंदरटा निम्नलिखित केऊ नदीर डेल्टा रे अवस्थित। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर महानदी। ए महानदीर डेल्टा रे पारादीप बंदरटा अवस्थित। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 130, आफ्टर द कन्फ्लुएंस ऑफ संख रिवर एंड साउथ क्वाल रिवर एट वेदव्यास,
द कम्बाइंड रिवर इज नोन एज टेक्स। देखंतु वेदव्यासरे शंख नदी एवं दक्षिण कोयल नदीर संगम पर मिलित नदी को टेक्स कहुए। ऑप्शन ए बैतरणी, ऑप्शन बी बाहुड़ा, ऑप्शन सी ब्राह्मणी ना ऑप्शन डी वंशधरा। तो राइट आंसर टी कौन है वेदव्यास रे शंख नदी एवं दक्षिण कोयल नदी संगम पर मिलित नदी को कौन कहुए ना ब्राह्मणी कहुए। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 131 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम गुप्तगंगा हिल्स इन केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित मध्यरु केऊ नदी ओडिशार केन्दुझर जिल्लार गुप्तगंगा पहाड़ उत्पन्न होइछि। ऑप्शन ए बैतरणी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी काठजोड़ी, ऑप्शन डी महानदी। तो राइट आंसर टी कौन है निम्नलिखित मध्यरु केऊ नदीटी ओडिशार केन्दुझर जिल्लार गुप्तगंगा पहाड़ उत्पन्न होइछि। तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर ए बैतरणी नदी। बैतरणी नदीटा केन्दुझर जिल्लार गुप्तगंगा पहाड़ उत्पन्न होइछि। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 132 जलापुर डैम इज बिल्ट एक्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। निम्नलिखित केउ नदी उपरे जलापुर डैमटा निर्माण करा जायछि। ऑप्शन ए जोंक, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी माछकुंड ना ऑप्शन डी ओंग। तो राइट आंसर टी कौन है निम्नलिखित केउ नदी उपरे जलापुर डैमटा निर्माण करा जायछि। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर माछकुंड। ए माछकुंड नदी उपरे जलापुर डैमटा निर्माण करा जायछि। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 133 रिवर तेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तेल नदी निम्नलिखित मध्यरु केउ नदीर एक शाखा नदी अटे। ऑप्शन ए बाहुड़ा, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी महानदी ना ऑप्शन डी वंशधारा। तो राइट आंसर टी कौन है तेल नदीटा निम्नलिखित मध्यरु केउ नदीर एक शाखा नदी अटे। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर वंशधारा। ए वंशधारा नदीर गोटे शाखा नदी होची तेल नदी। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 134 धौलीगिरी हिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। धौलीगिरी पहाड़ा निम्नलिखित केउ नदी कूल में अवस्थित। ऑप्शन ए सालंदी, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी नागभाली ना ऑप्शन डी वंशधारा। तो राइट आंसर टी कौन है धौलीगिरी पहाड़ा निम्नलिखित केउ नदी कूल में अवस्थित। ऑप्शन बी है राइट आंसर दया नदी कूल में अवस्थित। ए धौलीगिरीटा दया नदी कूल में अवस्थित। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 135 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द सालंदी रिवर। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउ पहाड़ सालंदी नदीर उत्पत्ति स्थान अटे। ऑप्शन ए रामगिरी हिल्स, ऑप्शन बी ऋष्यमाला हिल्स, ऑप्शन सी गोनासिका हिल्स ना ऑप्शन डी मेघसाणी हिल्स। तो राइट आंसर टी कौन है निम्नलिखित मध्यरु केउ पहाड़ सालंदी नदीर उत्पत्ति स्थान अटे। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर मेघसाणी हिल्स। ए मेघसाणी हिल्सटा सालंदी नदीर उत्पत्ति स्थान अटे। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 136 द बालीमेला रिजर्वियर कंस्ट्रक्टेड ऑन द डेक्स रिवर। देखंतु केउ नदी उपरे बालीमेला जल भंडारटा निर्मित। ऑप्शन ए सिलेरु, ऑप्शन बी माछकुंड, ऑप्शन सी कोयल ना ऑप्शन डी तेल। तो राइट आंसर टी कौन है केउ नदी उपरे बालीमेला जल भंडारटा निर्मित। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर सिलेरु नदी उपरे। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 137 द कलिंग वार टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कलिंग युद्धटा निम्नलिखित केउं नदी कूल में होता। ऑप्शन ए नागभाली, ऑप्शन बी सुवर्णरेखा, ऑप्शन सी दया ना ऑप्शन डी वंशधारा। तो राइट आंसर टी कौन है ए कलिंग युद्धटा निम्नलिखित केउं नदी कूल में होता। ऑप्शन सी है राइट आंसर दया नदी। ए दया नदी कूल में ए कलिंग युद्धटा होता। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 138 द सुवर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज। देखंतु सुवर्णरेखा नदीटा निम्नलिखित केउ मालभूमि उत्पन्न होइछि। ऑप्शन ए मालुआ प्लेटू, ऑप्शन बी मेघालय प्लेटू, ऑप्शन सी मेवाल प्लेटू ना ऑप्शन डी छोट नागपुर प्लेटू। तो राइट आंसर टी कौन है सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित केउ मालभूमि उत्पन्न होइछि। ऑप्शन डी है राइट आंसर छोट नागपुर प्लेटू ए सुवर्णरेखा नदीटे उत्पन्न होइछि। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 139 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक प्लेटू। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउ नदीटा अमरकंटक मालभूमि उत्पन्न होइछि। ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन ना ऑप्शन डी बेटुआ। तो राइट आंसर टी कौन है निम्नलिखित मध्यरु केउ नदीटी अमरकंटक मालभूमि उत्पन्न होइछि। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर सोन नदीटी। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 140 व्हाट डिड महात्मा गांधी कंडक्ट हिज फर्स्ट मीटिंग इन ओडिशा। महात्मा गांधी ओडिशारे तांकर प्रथम सभा केउठारे आयोजन करथिले। ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भद्रक ना ऑप्शन डी पुरी। तो राइट आंसर टी कौन है महात्मा गांधी ओडिशारे तांकर प्रथम सभाटा केउठारे आयोजन करथिले। ऑप्शन बी हेब राइट आंसर कटक ठारे। ऑप्शन बी हेब राइट आंसर। नंबर 141 द्रौपदी मुर्मू द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम व्हिच स्टेट।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମେଘାଳୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସିକିମ୍, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 142, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 2022। 2022 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ କେଉଁ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜୁନ୍ 14, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜୁଲାଇ 12, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମେ 19, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ 8। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? 2022 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ କେଉଁ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜୁଲାଇ 12ରେ। ଜୁଲାଇ 12ରେ ଏ ରସଗୋଲା ଦିବସଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 143, ଦ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରମ୍ 13 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁ 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ଓଡ଼ିଶାର 13 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1994, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1990, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1993, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1992। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାର 13 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି? ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1992ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 144, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍କର୍ପୋରେଟେଡ୍? ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1956, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1953, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1958, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1955। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1956ରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 145, ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସ ୱେର୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଉରକେଲା, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଟକ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 146, ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଉତ୍କଳ ସଭା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1882? 1882 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପ୍ସନ୍ ବି କଟକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଉରକେଲା, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପୁରୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? 1882 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭାଟା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ନା କଟକଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 147, ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଡେକ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 28, ଅପ୍ସନ୍ ବି 31, ଅପ୍ସନ୍ ସି 21, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 21। ତ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 148, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପିକର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର୍ଟା କିଏ ଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଏ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସଟା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ। ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 149, ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲୋକସଭା? ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 14, ଅପ୍ସନ୍ ବି 15, ଅପ୍ସନ୍ ସି 18, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି 21। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 21 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 150, ଦ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଫରେନ୍ସ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ କଟକ ଇନ୍ 1924 ଅଣ୍ଡର ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସିପ୍ ଅଫ୍ ଡେକ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମିଳନୀଟା 1924 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ କାହା ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରୋଇ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମିଳନୀଟା 1924 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ କାହା ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରୋଇ। ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ଥିଲା ଆଜି କ୍ଲାସ୍ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
नेक्स्ट क्लास आम कम्प्लीट करवा ए टपिक्रु आउ केते गुड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जदि ए क्लास टी आपणक नॉलेज रे किछटा इंप्रूवमेंट आनी तो वीडियो को गोटे लाइक कर सांगसाथी मानक सहित शेयर करंतु एवं ओडिसा कौन सी जॉब पई मध्ये प्रिपरेशन करूछंती तो डीआरएन क्लासेस को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर रखंतु कारण आम जिते बेले भी न्यू वीडियो टी अपलोड करिवु आपणक पाखक सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुंची पारिवु।